3, 2, 1 जय सरपंच जी तो चल दी है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है भाई। हे गॉड प्लीज गिव मी सम सनशाइन। मेरे को स्लेज नहीं करोगे ना कैसे भाई? भाई क्यों नहीं करूंगा भाई। इस बॉलर का एक्शन पूरा बुमराह की तरह बुमराह। पाकिस्तानी कर रहे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मैच जिसने निकाला है वो अंकित कुमार। हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का भाई के नए व्लॉग में। आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे। सो पहले तो भाई गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड पीछे आप लोगों को मौसम दिख ही रहा होगा, मौसम कैसा हो रहा है भाई। एक बात समझ में नहीं आती, जिस दिन अपना मैच होता है उस दिन इतनी धुंध क्यों होती है भाई? ये मैंने रिसेंटली अभी भी ऑब्जर्व करा कि भाई जिस दिन अपना मैच होगा उसी दिन इतनी ज़्यादा धुंध निकली होगी भाई। बाकी भाई आज हमारा भाई जो बक्सी टूर्नामेंट है उसका आज हमारा मैच है। मस्ट विन गेम है ये, और वाइट बॉल्स होता है। T20 टूर्नामेंट है, दिल्ली का सबसे बड़ा टूर्नामेंट में से एक टूर्नामेंट ही जाना जाता है जो T20 होता है। और भाई इसमें सारी क्वालिटी टीम्स खेलती है। इसकी जो फर्स्ट मैच की व्लॉग है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये आप लोगों को दिख रहा है, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख लो। बाकी भाई चल रहे हैं घर, घर चल के भाई नहाते हैं और ब्रश करते हैं और भाई फिर सीधे निकलते हैं मैच के लिए। सो गाइस ये है हमारी मैच ड्रेस। एंड पीछे देखो, ये देखो पीछे मेरा लक्की नंबर भी लिखा हुआ है 08। ये भाई एक्चुअली तो किस्मत से मेरे को ये ड्रेस मिली है भाई। टीम की सारी ड्रेस आई थी एंड मैंने बस ये ड्रेस पसंद कर ली। इसके पीछे तो नंबर नहीं दिख रहा था कि नंबर क्या लिखा हुआ है। मैंने ड्रेस पसंद करी और मैंने उसके बाद देखा भी नहीं कि इसके पीछे कौन सा नंबर लिखा है। बट जब मैंने अपनी बैटिंग की रिकॉर्डिंग की वीडियोज देखी तो उसमें मैंने पीछे देखा कि 08 लिखा हुआ है, और जबकि भाई मेरा लक्की नंबर 08 ही है। अगर मेरे को 08 कहीं पर नहीं मिलता तो मैं 06 अपना लक्की नंबर समझता हूँ। तो भाई आप लोगों का लक्की नंबर क्या है जो आप अपने टी शर्ट के पीछे लिखवाते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया जाना। बाकी ये देखो अपने बूनो जी को, अपने बूनो जी आराम से बैठ बैठे हुए हैं। बाकी भाई कपड़े वपड़े भी पैक कर रहे हैं एंड भाई फिर सीधे निकलते हैं भाई मैच के लिए। और अभी हमारे लास्ट मैच व्लॉग आई है सेंचुरी वाली। कल आपको मैंने सेंचुरी आई थी वो व्लॉग ये रही, इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जाके व्लॉग जरूर देखना भाई। तगड़ी व्लॉग बनी है भाई। आज भी प्रॉब्ली देखते हैं भाई 50+ तो मतलब करना ही करना है, इतना है कि करना ही करना है भाई। अपने ऊपर इतना भरोसा लेके जाना ही जाना है। देखते हैं बाकी सिचुएशन क्या होगी, किस टाइम पे बैटिंग आएगी कुछ पता नहीं है भाई कि किस टाइम पे बैटिंग आएगी। क्या पता लास्ट 5 ओवर में आ जाए, क्या पता भाई स्टार्टिंग में भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। बट बाकी अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे एंड 50+ पक्का करके आएंगे। मम्मी बना रही ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सीधे निकलते हैं ग्राउंड के लिए। आप लोग ग्राउंड में चल के मिलेंगे इन 3, 2, 1। सो गाइस ये देखो भाई ग्राउंड में आ चुके हैं। धुंध देख लो आप लोग एक बार यार, ये देखो भाई कैसी धुंध हो रही है। बाकी ये विकेट देखो, विकेट भी जस्ट अभी लाइनिंग हुई है। ये हमारे ग्राउंड्समैन भी है यहाँ के, विकेट भी जस्ट अभी लाइनिंग हुई है। विकेट भाई यूजुअली यहाँ का फ्लैट ही विकेट चलता है, बट अभी थोड़ा बहुत, ये देखो थोड़े थोड़े जो पैचेज हैं वो थोड़ा सा दब रहा है बस। बाकी भाई यूजुअली यहाँ का विकेट एकदम फ्लैट ही चलता है। एंड अभी धुंध इतनी ज़्यादा हो रही है तो कम से कम अभी 1 घंटा लगेगा हमारा मैच स्टार्ट होने में, और इतनी ठंड हो रही है तो भाई प्लानिंग तो भाई यही रहेगी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करो, क्योंकि भाई ग्राउंड भी गीला हो रहा है। जब ग्राउंड में बॉल जाती है तो फिर बॉल गीली होती है, फिर वो बॉल अच्छी खासी बैट पे आती है, स्किट करके अच्छी खासी आती है बैट पे। तो इसीलिए कभी भी अगर सुबह अगर ऐसा ग्राउंड हो, ग्राउंड इतना गीला हो, एक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ग्राउंड देख लो कितना गीला है, सीम गीली होगी तो बॉलर्स के उस पर फिंगर्स नहीं लगेंगे, उसमें हमेशा बेनिफिट बैट्समैन को ही जाता है। तो इसीलिए ऐसे टाइम पर हमेशा टॉस जीतते पहले बैटिंग करो। और इसका मेन बेनिफिट ये भी है कि ठंड हो रही है तो भाई फील्डिंग तो करना है बहुत ज़्यादा टफ होता है भाई। जो घर बैठ के व्लॉग देखते हैं उनको लगता है कि यार बहुत सिंपल कैच है, बहुत ईजी है फील्डिंग करना, बट भाई इस ठंड में जो हालत ख़राब होती है ना वो भाई सिर्फ फील्डर्स को ही पता है। देख लो गाइस हमारा बगीरा, देख लो अच्छे से इधर भी आ गया, सारे ग्राउंड पर आज करता हमारा बगीरा। ले खा, हाथ नहीं ये खा, ये ले शाबाश। सो गाइस टॉस हो गया, टॉस हमारी टीम जीत गई है। हमारी टीम टॉस के लिए पहली बॉलिंग, तो चलो भाई आ गया भाई। ये भाई है प्राणी है गजब का, गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट। ये हमारे अंपायर सर, एक बार भाई पूरा करा भी इसका। ये हमारी टीम 16 ओवर का मैच है आज गाइस। ओके 4-3-3 ड्यू टू फॉग, तो आज दुआ करो हम जीते। अभी पहले यही है भाई, देखो रन पड़ेंगे तो हटना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी अपना पकड़ के बेस्ट करके चलो, फील्डर सारे सपोर्ट करेंगे। बाकी भैया फर्स्ट इन में हाथ खोल के चलना, और हमारे पास लेफ्ट आर्म कौन है, नानक, हाथ खोल के चलिए। गुरदीप फर्स्ट इन में पावर प्ले में भी बॉल डलवा सकता हूँ, ठीक है। अपना बेस्ट दो भाई फील्डिंग में, अच्छा 3-2-1 जय माता दी।
ओके गाइस, फर्स्ट चेंज में सारे हाथ खोल लेना, ठीक है? ठीक है, थर्ड में पाऊंगा। चलो गाइस, अब छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों को फर्स्ट इनिंग देखने को मिलेगी, बाकी अपनी बैटिंग करेंगे। ओके, क्या हो गया स्कोर? सो गाइस, पावर प्ले खत्म हो गया एंड स्कोर है 5 ओवर में 33 रन पे 2 विकेट। केशव एक आउट हो गया और एक इनका ओपनर है। 5 ओवर में 33 रन इस विकेट पे तो बहुत ज्यादा बढ़िया गुड स्टार्ट है हमारी टीम के लिए, बॉलिंग के लिए। बाकी टोटल मैच है 16 ओवर का, 5 ओवर के पावर प्ले था एंड अच्छी बॉलिंग करी अभी तक। अब देखते हैं बाकी आगे कैसा मैच चलेगा, क्योंकि भाई क्रिकेट है, क्रिकेट कोई भरोसा नहीं है। कोई भी एक बैट्समैन 16 ओवर के फॉर्मेट में, छोटा फॉर्मेट है, इसमें कोई भी एक बैट्समैन अगर सेट हो जाएगा तो वो इजीली गेम को निकाल सकता है। बॉलिंग बॉलिंग शॉट यहां पर एक रन दिया। वेलन टॉप बॉलिंग। गाइस बहुत तगड़ी ठंड हो रही है भाई, बहुत तगड़ी। हाथ से बॉल लग रही है ना, के पटपटी लग रही है। शॉट यहां पर, ओहो मिस फील्ड हो गई। सरपंच जी तो चल दी है, मिस फील्ड कर दी है। गाइस हाथ दे रो, कितने देख रहे लाल हो रहे हैं, लाल हम लाल। ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी होने वाली है, मेहंदी लगा के आ रखा हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई। सारथा भाई क्या कहना चाहोगे आप ऐसे ठंड में फील्डिंग जो कर रहे हैं उनके लिए? बस भाई, अंकित भाई आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, बड़े जिगरे का काम है, 2 बार तो आपके हाथ में लगते रखते बची है। भाई आपने हाथ डाल दिया, वही बड़ी बात है। डालना तो पड़ेगा ना, हाथ तो देखो डालना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हर ओवर में एंड चेंज है ना गाइस, अच्छे मैच में ऐसे होता है। जो जो अच्छे मैच खेलते हैं उनको पता होगा, जो जो नकली मैच खेलते हैं उनको नहीं पता ये चीज़। तो अच्छे मैच में ना हर ओवर में एंड चेंज होता है, तो जो उस एंड से नानक डाल रहे हो बारह कट की बॉल डाल रहा हूँ, पॉइंट पर लगा हुआ। यूजुअली गाइस T20 में ये बॉलिंग चलती है, मैक्सिमम जितना हो सके ना कट की डालो भाई। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, बोलो छोटे वाले छक्के कैसे मार सकते हो, तभी T20 में आप लोग कामयाब बैट करो। ध्यान रखना और देखना, ये बॉल मेरे पास आ रही है। ये देखो गाइस, हमारे यहाँ पे 2 कैमरामैन, एक हमारे ऑनलाइन कर रहे हैं और एक ऑफलाइन। और 8 ओवर 41 में 2 विकेट। ओके गाइस, सी यू सम टाइम्स, गिव मी सम सनशाइन प्लीज, गिव मी सम सनशाइन गाइस प्लीज, हे गॉड प्लीज गिव मी सम सनशाइन। जब भी दोनों होते तो हर क्रिकेटर की यही मांग होती है, प्लीज गिव अस सम सनशाइन प्लीज। टोटल 16 ओवर में क्या टारगेट जाना चाहिए? 16 ओवर में टारगेट होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम 120, 120 टू 125 बस। सो गाइस लास्ट ओवर है, लास्ट 5 बॉल्स रह चुकी है एंड स्कोर हो गया अगेंस्ट टीम का 113 रन्स फॉर 5 विकेट्स लास्ट 5 बॉल्स।113 रन पे 6 विकेट, क्या इनके 120 बन पाएंगे? पिछले मैच में तो बहुत जल्दी कोलैप्स हो गए थे सारे बैट्समैन, अंकित भाई को छोड़कर अंकित भाई ने अकेले बनाए थे 30 रन 40। फाइटर तो स्टार्टिंग से रहे हैं भाई, फाइटर तो स्टार्टिंग से ही, हम लोग सदा फाइटिंग ही करी हमने, वो वाली फाइटिंग नहीं, फील्ड के अंदर फाइटिंग गाइस। या मैं चाहता हूँ कि एक ना रिकॉर्डिंग हो, मतलब गोप्रो में कि मेरे कैच हिटा है और यूं अंकित यूं करके पकड़े और यूं करके उछाले और फिर यूं जाए, ऐसी आनी चाहिए कैच यार। तो ऐसे ही रहूँगा देखना गाइस लास्ट बॉल। सो गाइस इनिंग्स खत्म हो गई है एंड टारगेट हमारी टीम को मिला 120 रन का इन 16 ओवर्स। चलो भाई थोड़ी देर में चेस स्टार्ट होगी, फिर आप लोग हमारी टीम की बैटिंग को एंजॉय करना।
चलो गाइस बैटिंग आ गई है 53 बॉल्स में 69 रन्स हैं। चल खेलियो। चल ठीक है। रन नहीं था। घूम रहा है बॉल। कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा। सर। हाँ। डालता रही हो 70 चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ 53 में 69। बस तो ठीक। भाई बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है ये। केशव भाई, मेरे को स्लेज नहीं करोगे ना केशव भाई? सर नेक्स्ट टाइम। सर मेडल देखना। थैंक यू सर। वेट कर, वेट कर, बोल दादा। हाँ चौका हो गया। मैं तो आ ही जाऊंगा अगर होगा तो। सुन मना कर दियो। हाँ, जो हो गया जो हो गया हो गया। हाँ भाई मेडल देखना सर, मेडल। उसके पास कोई कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू सर। एक ही होगा, एक ही होगा। शॉट है 59 रह गए। हाँ बस एक चीज़ ये बस। भाग भाग भाग। आ जा गेन ही ना बोल। आ जाओ भैया आ जाओ। ये दो के दो। आ जाओ भैया आ जाओ भैया। भैया पहले बोलो ना। जाता था आउट हो जाता था। दिमाग से बढ़िया। आ जाओ भैया अब भैया यार। भागो भैया भैया भागो। अरे क्या बात है।
आ जाओ भैया। भाई थ्रो मत मारा कर। भैया 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 तेज भागो पहले। सॉरी सॉरी भाई सॉरी। इधर से ला लो लेफ्टी को भी। नहीं इधर ही ओवर ही डालो। गाइस बॉलर का एक्शन पूरा बुमराह की तरह। बुमराह बुमराह 2.0 देखो आप लोग एक्शन। छोड़े 19 रह गए। छोड़े भैया 19 रह गए 15 में। ठीक है ना? ठीक है प्रेशर नहीं है। ओके बेटा आ जाओ आ जाओ। कंबल पे लेके आएंगे। एक ही होगा एक ही होगा। बारह बोलो में हमें दो हिट चाहिए बस खत्म। लेग पर उसका बॉल ना बड़ा अच्छा बाउंस कर रहा है। इसका उल्टा भी चलेगा। हाँ, मेरे को मतलब आपको उल्टा चलेगा। हाँ आ जाओ भैया आ जाओ। हाँ और ये शॉट परफेक्ट है इसकी बॉल पे। हाँ अगर बनी बनाई मिले तो ही लगाइयो नहीं तो दाल पूजा सिंगल खुला। ठीक है ठीक है। भैया मैं तो आ गया आप आ जाओ भैया। ठीक है दो रहे। ठीक है बनी मिले तो छोड़ ही मत। ठीक है एक नंबर टॉप शॉट। ओके ओए कोई नहीं बोलिया ओए आ जा विनर ही बताएगा। भैया हो जाएगा यार रन। ठीक है भैया बढ़िया वेलकम के लिए। थैंक यू सर लेट भाई वेलकम। अरे भाई मैंने क्लास सीनिंग। थैंक यू सर बढ़िया खेला। थैंक यू भैया। सेट बैट में कहीं पर रुका है लेट भाई लेट। कैसा भैया कैसा रहा भाई वंश भाई जीत गए भाई। हम दोनों की पार्टनरशिप यार इतनी बढ़िया चल रही थी। हमारा बैट से इतनी ज्यादा बढ़िया लगी थी बट यार सारे हंस रहे हैं यार क्यों यार। हम दोनों के पास बड़ी नहीं चल रही थी बड़ी चल रही थी जीत गए देख लो रिजल्ट देख लो। प्राणी है ना हंसता ही रहता है हर टाइम कुछ कर रहा हूं क्या भाई। गाइस हमारी टीम ने जीती 7 विकेट से एंड हम ये नहीं हमेशा जीतते हैं यार एंड हमने गाइस ये टारगेट लास्ट ओवर में चेस कर लिया। स्पेशल थैंक्स टू भैया। मैच प्रेजेंटेशन होती है अभी वो हो रही है। आज का मैच UGCA वर्सेस वेंकटेश्वर था
जिसमें यूजीसीए ने आज जीती है। एक बार क्लैपिंग हो जाए तो कुछ अवार्ड्स हैं आज के। जो मोस्ट एक्टिव प्लेयर है जी न्यूज दिल्ली एनसीआर हरियाणा, मोस्ट एक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच जो बेस्ट फील्डर है अहूजा। ओ अहूजा जी मान गए अहूजा जी, कैच है, एक विकेट है, मान गया अहूजा जी। टुडेज फाइटर ऑफ द मैच एबीएसएस स्पोर्ट्स द्वारा स्पॉन्सर्ड अक्षय सिंह। लेड़ा अक्षय, लेड़ा ब्रो, वो एक ही बोर्ड बन गया था। मैन ऑफ द मैच देने से पहले एक स्पेशल अवार्ड है हमारे पास, स्पेशल गेस्ट है जो डेफ की टीम के साथ कप्तानी कर रहे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दुबई के अंदर उनका टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है दुबई में। आज स्पेशल गेस्ट है, मैं बुलाना चाहता हूं उनको, वीरेंद्र। मगर हमारी जो अंपायरों की और हमारी जो नज़र में है वो जो मैच जिसने निकाला है वो अंकित कुमार, एक कैच फॉर 38 नॉट आउट। सो गाइज मैच खत्म हो गया एंड हमारी टीम मैच जीत गई। अब जो लास्ट मैच है 7 तारीख को, अब वो मस्ट विन गेम हमारी टीम के लिए। अगर हमारी टीम वो मैच जीतेगी तो फिर नेट 100 देखा जाएगा और नेट 100 अगर हमारी टीम की अच्छी हुई तो हमारी टीम क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए इस टूर्नामेंट के। बाकी भाई आज आपका भाई बना प्लेयर ऑफ द मैच एंड बढ़िया परफॉर्मेंस हुई। मेरा प्लान ये था कि नॉट आउट जाऊंगा और अपनी टीम को जिता के जाऊंगा और वही हुआ। लास्ट मैच में भी नॉट आउट आए थे 104 रन पे एंड आज भी नॉट आउट आए 38 नॉट आउट रन पे। तो भाई बढ़िया बैटिंग हुई। बाकी अभी यहाँ पर भाई हमारा एक शूट है, हमें शूट के लिए इन्वाइट करा हुआ है तो यहाँ पर अभी शूट हो रही है। इसकी शूट की जो भी फोटोज होंगी वो गूगल पर डलेंगी एंड कैनवा पेज पर डलेंगी तो वो भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, पीछे ग्राउंड हमारा मैच था, इधर हमारी शूट चल रही है। शूट खत्म होगा फिर अपने घर जाएंगे और घर जाके फिर अपना रेस्ट करेंगे, व्लॉग एडिटिंग भी स्टार्ट करनी है। और बेसिकली कल मेरे को निकलना है कुल्लू के लिए, वहाँ पे मेरा टूर्नामेंट के मैचेस हैं तो वहाँ की व्लॉग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आएगी। बाकी यहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे को इतना लव और सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन। ऐसे ही आपका भाई आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स लेके आता रहेगा। सो इस व्लॉग को हम लोग अभी फिनिश करते हैं। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर व्लॉग अच्छी लगी तो व्लॉग पर लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते रहेंगे ऐसे बड़े बड़े मैच ब्लॉग्स का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप भी आ जाओ, सारे आ जाओ।